काउंटिंग कथा बाचक के प्रति कथा के प्रति अगर अपने मन में शंका जताई तो आपको उसका फल नहीं मिलेगा। आपका यहाँ पर बैठना सार्थक नहीं होगा। अगर आप काउंटिंग कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलो हर हर महादेव। धागा पकड़ लो सब लोग, पीछे कर लो धागा और है। हर 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 महादेव। धागा और ले आओ जाए गुल्ली अंदर से मलयाम मलयाम धागा रखो घर बज के। हाँ जोड़ दे जोड़ दे जोड़ दे। चलो चौका है गो हरिओम हर हर महादेव। हाँ जाप करो मन से ओम नमः शिवाय बोलो। हाँ बीमारी खत्म हो जाएगी बोलो बोलो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। पंडित जी बोलो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। डॉक्टर बोलो ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय गंगा मैया माता भगवती आशक्ति जो हमारी गंगा मैया हैं सभी का कल्याण करने वाली हमारे
देवों के देव महादेव भगवान शिव की दिव्य कृपा से सभी भक्तजन 1,25,000 पार्थिव शिवलिंग की रचना कर रहे हैं। जो भक्त देखो राम राम कर रहे हैं, सीताराम बोल रहे हैं, ओम नमः शिवाय का उच्चारण कर रहे हैं, अभिषेक चल रहा है, ब्राह्मण भक्त जन आशीर्वाद कर रहे हैं। तो सभी से निवेदन है, सब भगवान की सेवा में सम्मिलित हों, जुड़े। हर हर महादेव बोलिए, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय बोलते जाओ, हर हर महादेव। सभी भक्तजन भगवान का उच्चारण कर रहे हैं, नमः शिवाय नमः शिवाय कर रहे हैं। ब्राह्मण देवता हर हर महादेव, हर हर महादेव कह रहे हैं। रोग हर कष्ट हर दुख हर दारिद्र हर हर महादेव। सुनील मिश्रा, नीलू जी आपसे मैं बेदी, आप ये जो है शिवलिंग बना रहे हैं, क्या है पूरा मामला? ये भगवान शिव की कृपा है, उनके उनसे प्रेरणा मिली है और अपने शिवलिंग की 1,25,000 शिवलिंग बनाकर अपने माननीय योगी आदित्यनाथ जी को दोबारा मुख्यमंत्री बनाने की संकल्प लिया है। उसकी पूजा करना करते उनके पूजन करने के बाद विसर्जन करना है। शाम को पूजन हवन करने के बाद रोज रुद्राभिषेक हो रहा है, उसके बाद रुद्राभिषेक का कार्यक्रम होता है शाम को। और ये 1,25,000 शिवलिंग पूर्ण होने पर एक पूर्ण आहुति का हवन भी कराएंगे ताकि हमारे योगी आदित्यनाथ दोबारा मुख्यमंत्री जी बने। बस इसी कामना के साथ ये शिवलिंग का पार्थिव शिवलिंग के निर्माण का कार्यक्रम चल रहा है। शिवलिंग की जो रुद्राभिषेक करते हैं और 1,25,000 शिवलिंग बनाकर सभी माताओं बहनों को मिलाकर सबके सहयोग से 1,25,000 ज्योतिर्लिंग हम लोग बना के 10 दिन का कार्यक्रम है। और संकल्प किया है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी दोबारा मुख्यमंत्री बने, इस कामना के साथ रोज रुद्राभिषेक करके शाम को गंगा जी में विसर्जित करना होता है और हवन पूजन होता है। मंगलवार को हमारा भंडारा है और इसी कामना के साथ भोलेनाथ जी की कृपा से यह कार्य चल रहा है। सभी माताएं बहनें भाइयों सभी लोग हमारा सहयोग कर रहे हैं और काफ़ी ज़ोरदार से यह प्रोग्राम चल रहा है। यही भोलेनाथ से प्रार्थना है कि माननीय योगी आदित्यनाथ जी दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ ग्रहण करें। धन्यवाद। बेटा क्या नाम आपका? मेरा नाम अनामिका शुक्ला है। बेटा जो 1,25,000 शिवलिंग क्यों बनाए जाएंगे? 1,25,000 शिवलिंग इसलिए बनाए जा रहे हैं क्योंकि हमारे माननीय आदित्यनाथ योगी जी दोबारा से मुख्यमंत्री बने, इसलिए हम लोग ये शिवलिंग 1,25,000 बना रहे हैं। इनका पूजन होता है फिर विसर्जन होता है हवन के बाद। विसर्जन कब होगा? ऐसे होगा शाम को 5 बजे।